तो नो वे होम देखने के बाद हम सभी को ये तो मालूम चल गया है कि एमसीयू में यानी कि टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में हमें ऑस्कॉर्प कंपनी या फिर हम कहें तो नॉर्मन ऑस्बॉर्न का कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या हमें टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में दूसरा ग्रीन गॉब्लिन या फिर टॉम हॉलैंड का खुद का अपना ग्रीन गॉब्लिन देखने को नहीं मिलेगा? तो इसी चीज पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एमसीयू इतना तो बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसे अमेजिंग कैरेक्टर को ऐसे ही जाने दे। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जैसे मेरी जेन को मिशेल जोन नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, कुछ वैसे ही ग्रीन गॉब्लिन के साथ भी मार्वल कर सकती है। लेकिन ये तो हुई एक पॉसिबिलिटी, जैसे कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, कुछ वैसे ही आज हम कंसिडर करेंगे। तो अगर क्या हो, एमसीयू अगर न्यू ग्रीन गॉब्लिन को प्लान ही ना कर रही हो, तो ऐसे में आज हम रोशनी डालेंगे हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, क्या नेट बनेगा हॉबगॉब्लिन। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर या फिर हॉबगॉब्लिन जैसा कैरेक्टर जैकब बैटलॉन प्ले ही नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि टॉम हॉलैंड के केस में भी पहले कुछ ऐसे ही हुआ था, जहां काफी लोगों ने ये कहा था कि दूसरे दो स्पाइडरमैन से ये वाला स्पाइडरमैन कुछ फीका सा लग रहा है। लेकिन नो वे होम में हमने टॉम हॉलैंड के पोटेंशियल को देख ही लिया, जिसमें वो तो साइन तो किए ही किए, लेकिन उसके अलावा हमने उसका प्रॉपर इवोल्यूशन देखा, जहां वो फर्स्ट हाफ में थोड़ा चाइल्डिश हो रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ आते आते वो थोड़ा मैच्योर एक्ट करने लगे। जहां फर्स्ट हाफ में पीटर पार्कर ने काफी गलतियां भी करी, जिसके बदले में उसे अपने आंट मे को खोना पड़ा, और उसी के साथ ही हमें वो आइकॉनिक डायलॉग विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सुनने को मिला, जो कि हमें एमसीयू में अभी तक सुनाई नहीं दिया था। कुछ उसी तरह ही जैकब बैटलॉन का परफॉर्मेंस एज हॉबगॉब्लिन हमें देखना बाकी है। देखा जाए तो अगर किसी हीरो के करीबी ही विलेन बने, तो हमें उसकी प्रॉपर स्टोरी टेलिंग, इमोशन और केमिस्ट्री भी देखने मिलती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमें ब्लैक पैंथर में मिला, जिसमें उसके टिचाला का भाई खुद एरिक किलमोंगर ही विलेन था। उसमें कैसे प्रॉपर स्टोरी टेलिंग और केमिस्ट्री हमें देखने को मिला। ऐसे ही कुछ हमें फ्यूचर के मूवीज में अगर जैकब बैटलॉन एज हॉबगॉब्लिन इंट्रोड्यूस होते हैं, तो हमें भी वैसे ही केमिस्ट्री स्पाइडरमैन और हॉबगॉब्लिन के बीच में देखने को मिली। जहां बात रही हिंट की, तो हमें इस चीज़ का टीज तो नो वे होम के मूवी में ही देखने को मिल गया था, जहां पर टॉबी ने नेट को बताया था कि उसका बेस्ट फ्रेंड आगे जाके इविल बन जाता है और उसी से ही दुश्मनी मोल लेता है। तो नेट इसको सुनने के बाद टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के पास जाके ये कहता है कि मैं कभी इविल बन के तुमको हार्म नहीं करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं ये फोरशेडोइंग थी कि आगे जाकर नेड ही बनेगा हॉबगॉब्लिन। इस चीज का हिंट तो उन्होंने खुद ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बार दे दिया था, जहां पर देख सकते हैं कि उनके सर के ऊपर एक ऑरेंज कलर का हुड जैसा कुछ दिख रहा है। और कॉमिक बुक्स में झांकने के बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि हॉबगॉब्लिन के सर पे भी ऐसे ही कुछ ऑरेंज कलर का हुड लगा हुआ था, जो कि ग्रीन गॉब्लिन के केस में एक पर्पल कलर का हुड लगा हुआ था। पहले तो ये चीज इतना बिलीवेबल नहीं लगता था, लेकिन नो वे होम के एंड के बाद नेड नहीं जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, या फिर पीटर पार्कर नाम का कोई बंदा उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। तो ये चीज और भी मजबूर कर देती है कि आगे जाके या फिर फ्यूचर के मूवीज में हमें स्पाइडरमैन और हॉबगॉब्लिन का आमना सामना दिख सकता है, जहाँ की हॉबगॉब्लिन को प्ले करे हमारे नेड। तो अगर हम ये भी बिलीव कर दे कि हॉबगॉब्लिन बन जाएगा नेड आगे किसी फ्यूचर की मूवीज में जाके, तो आखिर बनेगा तो वो बनेगा कैसे? मूवी के एंड में हमें तो ये मालूम चल गया कि नॉर्मन ऑस्बॉर्न अपने यूनिवर्स में जा चुका है, लेकिन क्या आपने ये चीज नोटिस की कि उसने जो अपना मास्क तोड़ा था वो वही कहीं न्यूयॉर्क की गली में पड़ा होगा? तो अगर मेरी मानो तो आगे जाके वो मास्क नेट को मिलेगा, और वो मास्क इस यूनिवर्स में अपना गॉब्लिन बनाने के लिए नेट को चुनेगा और उसको मैनिपुलेट करके अपना हॉब गॉब्लिन बना देगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आखिर फ्यूचर मूवीज में जाके हॉब गॉब्लिन नेट कैसे बन सकता है। आप इसे एक फैन थ्योरी की तरह मान सकते हैं, लेकिन मैं मिलूंगा आपको एक दूसरे वीडियो में जाके किसी दूसरी फैन थ्योरी या फिर फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।